हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन, वो देखिए उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ह्रां ह्रूं क्लीं ह्रूं सः ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना लें। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से, कई कारण से रहे यज्ञ बिगार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ बाधित बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें, आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें।
स्वाहा। कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहु विधि करे अविचल शैल समान मेघनाद रथ यज्ञ मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे ये कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। भीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ, तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है
अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वैशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे, तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। करने से ये कब तक जीवित रहेगा? और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। बड़े गर्व से मेघना
लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं, जाने क्या चाल चल रहा हो। तुम सावधान रहो। पिताश्री, 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 इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर
तुम्हारी मति को ब्रह्म में डाल दिया है या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो। पिताश्री क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं, तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया, क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है, इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रह्म अस्त्र तेज हीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वह लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का मोग चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करे पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है, अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अब यश ही मिलता है, इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा।
जो पिता से विमुख होकर जाते हैं भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। वीर के हाथों प्राप्त हो, मेघनाद देवी जीवन लीला
मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं।